जय श्री कृष्ण। मेरे आने वाले कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आप सभी जानते हैं, पर शायद इतनी बिजी लाइफ में कहीं भूल गए हैं। मिट्टी। इस मिट्टी के हम सब कर्जदार हैं। कुछ कर्ज चुका रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। अगर कभी हम किसी का कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो हमारे उनसे संबंध खराब हो जाते हैं। पर ये मिट्टी देखो कितनी निस्वार्थ है, हर किसी को उतना ही प्यार देती है जैसे माँ करती है, सबका कष्ट लेके हमें सुख देती है। इस प्यार सुख का कोई मूल्य नहीं, वो तो माँ से बढ़कर है। पर जितना हम हमारी माँ के बारे में सोचते हैं करते हैं, उनकी भी माँ धरती माँ के लिए नहीं कर सकते। पर हाँ हाँ, इमोशन से ज़िंदगी नहीं चलती है, तो क्यों ना इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ का एक मिक्स सल्यूशन निकालें। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बस इतना याद रखिए। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ा शब्द नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आई नो चाइना की हर चीज़ को बॉयकॉट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके किसी ना किसी डिवाइस में कोई ना कोई कॉम्पोनेंट चाइना का होगा। और इसीलिए, क्योंकि आजकल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंटरकनेक्टेड है। और हाँ, पास्ट में आज तक कोई बॉयकॉट मूवमेंट सक्सेसफुल भी नहीं रहा है, लेकिन हम इंडिविजुअल खुद के लेवल पे थोड़ा सोच के डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव इंडिया का है तो हम वही यूज़ करें, चाहे फिर एक वो छोटा साबुन हो, हमारे कपड़े हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हो या कोई बड़ा डिवाइस। हमारी इंडियन कंपनीज़ को चाइना की कंपनी से बेहतर करने के लिए थोड़ा और रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा। इस एक माँ के इतने बच्चे हैं, अगर हम सब साथ आ जाए, ध्यान देना, अगर हम सब साथ आ जाए तो यकीनन हम कर्ज अदा कर देंगे। जब कभी हम हमारी माँ के बारे में सोचते हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्हें चोट लगती है तो दिल हमारा भी दुखता है, वैसे ही धरती माँ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस कुछ भी करते वक्त एक बार इतना सोच लेना कि आपकी वजह से, आपके किसी डिसीजन से हमारे इस देश, ये मिट्टी, हमारी माँ को कोई चोट तो नहीं पहुँच रही ना। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।